तो अब मैं बताऊंगा आपको कि अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल है, सबसे पहली बात। और दिस्कित यहाँ से करीब 90 किलोमीटर है और ले यहाँ से 210 किलोमीटर है। और जब कभी ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है कि भाई लिफ्ट नहीं मिल रही है, तो मैं कंटिन्यू, मेरी ये रहती है कि मैं मेन मार्केट से काफ़ी दूर रहूँ ताकि लोगों को ये पता चले कि ये बंदा थोड़ी, हाँ भाई लिफ्ट लेना चाहता है तो इसको इसके ठिकाने तक पहुँचा दे। और दूसरी बात ये है कि उस समय मैं ये सोचता हूँ, मैं गाड़ी को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि भाई कौन सी गाड़ी मेरे को लिफ्ट दे सकती है। तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं गाड़ी देखूँ, गाड़ी को ऑब्ज़र्व करूँ अपने हिसाब से, और फिर आपको कोई भी गाड़ी मिले, लाइक उस गाड़ी में 5 लोग बैठते हैं जैसे नॉर्मली गाड़ी में, तो अगर उसमें 4 भी बैठे हैं तो हाथ मार लेने का, ताकि होपफुली मतलब हो जाता हूँ, मैक्सिमम टाइम लकी हो जाता हूँ कि 4 लोगों के बीच में भी मेरे को लिफ्ट मिल जाती है। तो उस टाइम ये नहीं देखना है कि भाई 4 लोग है, फैमिली है, क्या है, भाई हाथ मार दो, क्या पता वो अच्छे लोग हो और तुम्हें लिफ्ट दे दे। मेनली यहाँ पर ये है कि मैं ज़्यादा पैदल भी नहीं चल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पहाड़, यहाँ पे बारिश हो रही है इस टाइम पे और पहाड़ आते हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है खुद ब खुद क्योंकि यहाँ पे कच्चे पत्थर है, इतनी पक्के पत्थर नहीं है, उन उतनी पकड़ नहीं है पत्थरों में, तो पैदल चलना भी रिस्की है क्योंकि पहाड़ ऊपर से गिर सकता है। तो अपनी जान तो भाई सबको प्यारी है, ऐसा दो बचपन हो चुके हैं और मेरे को आर्मी की गाड़ी मिल चुकी है और मुझे नहीं पता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भी जा रहे हैं मैं इनके साथ जाऊँगा। सी यू पीपल, क्योंकि इस रूट पे क्या है, बहुत डेंजर रूट है, यहाँ पर पत्थर गिरते हैं पहाड़ी से, पैदल भी नहीं चल सकता हूँ मैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। तो इस ट्रक में मुझे लिफ्ट मिली है एंड अभी तो इस जगह का नाम भी नहीं पता है, पर ये इस जगह जा रहे हैं। 27 मिनट हो चुके हैं और इस जगह तक मुझे आर्मी की गाड़ी ने लिफ्ट दी है और ये पीछे से जो गाड़ी आ रही है मैं इससे लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी ये कहाँ तक जा रहे हैं। ये भाई तो कह रहे हैं यहाँ जा रहा है तो ये लिफ्ट नहीं देगा, आगे पैदल चलना है। अभी रास्ता ठीक है, कहीं पे भी मतलब पहाड़ ऐसे नहीं लग रहे कि गिर सकता है कुछ, तो वहाँ तक पैदल चलते हैं। और अंकल जी ने लिफ्ट दी है। यहाँ से हम तुरतुक से कितने आगे, तुरतुक से 15 किलोमीटर आगे से अंकल जी ने लिफ्ट। इस समय लड़के आप मैं हूँ और यहाँ पे पुल है और पुल के नज़दीक में एक ट्रक फंस गया था जिसका पास ज़्यादा लोड था और उसकी गाड़ी नहीं चढ़ रही थी, तो अब सारी गाड़ियाँ निकल रही है टूरिस्ट की, यू कैन सी बिहाइंड मी, तो अब हम लोग ही निकलेंगे। वरना क्या होता है कि अगर आप इस जगह पे फंस जाते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्या सिचुएशन आती है। 2 बजे है और हम खारदुंगला टॉप के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है। और उस्ताद जी, हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे? अभी गाड़ी नहीं चढ़ रही है, स्लिप ले रही है। क्यों नहीं चढ़ रही है, स्लिप क्यों ले रही है? स्टिकिंग कर रही है। अच्छा, बाहर बर्फ गिरी है, बर्फ गिरी है, जम गई है। अच्छा जी, स्टिक कर रही है इसलिए नहीं जा रहे हैं। अच्छा, और हमारे से आगे अभी एक गाड़ी भी गई, लेकिन अभी गई भी छोटा गाड़ी था, वो छोटी गाड़ी है, कितना चक्का है वो? 6 चक्का है, 6 चक्का है और अपनी गाड़ी है 12 चक्का। कितने टायर वाली गाड़ी है उस्ताद जी? 12 टायर वाली है, 12 चक्का ट्राला। हाँ जी, 12 चक्का 12 टायर वाली गाड़ी है। तो आज हम यही सोएंगे, हमारा डिनर वगैरह हो चुका है दीक्षित में, तो अब हम अपने सोने की तैयारी करेंगे। सो सी यू गाइस अर्ली इन द मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप मेरे पीछे देख रहे, ट्रक है। इस ट्रक में मुझे लिफ्ट मिली थी करीब 8 बजे और उस्ताद जी के साथ मैंने डिनर वगैरह किया, जैसे शाही पनीर और 4 5 6 चपाती खाई हमने। और आप देख सकते हैं,
यहाँ पे स्नोफॉल हुआ और इस वजह से हमारी गाड़ी आगे चढ़ नहीं रही है, बिकॉज हमारी गाड़ी 16 चक्का है, 12 चक्का है। तो अभी हम बर्फ पिघलने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से आगे निकलेगा। बाकी हमारे पास चाय वगैरह बनाने का इंतज़ाम सब कुछ है, लेकिन मुझे अभी हल्की हल्की सिर दर्द हो रही है, बिकॉज मैं बिल्कुल ठीक खारदुंगला पास के सामने हूँ, तो हल्का सा ऑक्सीजन की भी थोड़ी यहाँ कमी है। और 3 बजे हम सोए थे, 3 बजे हम इस जगह पर पहुँचे थे, बाकी अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं। बज चुके हैं और सुबह हम 8 बजे 8:30 बजे निकले थे खारदुंगला पास से, तो 11 बज चुके हैं और भाई जी अभी चाय बना रहे। तो साड़ी गड्डी तो इत्थे है, तुहाड़ी गड्डी कित्थे है बोल दो। तो सी यू गाइस। और आज मुझे 14 दिन हो चुके हैं और मैं करीब 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, और